हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा मौजूद हैं। अखिलेश मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो ये मुद्दा है इस पर अगर हमारे आ, आ, केंद्र सत्ता में जो बैठे मंत्री हैं बैठक कर रहे हैं और इस मामले को बीजेपी अगर 2024 से पहले आगे बढ़ाना चाह रही कितना महत्वपूर्ण है ये बीजेपी के लिए क्योंकि एक बड़ी संख्या में ओबीसी मंत्री हैं उनके बिल्कुल निधि और बीजेपी इस पूरे मामले को तूल देगी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव सिर पर हैं कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है कर्नाटक में बीजेपी से एक बड़ा मुद्दा बनाएगी इसके साथ ही आज संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जितने ओबीसी मंत्री हैं केंद्र में उनकी एक बैठक बुलाई थी उसके तुरंत बाद धर्मेंद्र प्रधान जो कि बीजेपी का एक प्रमुख ओबीसी चेहरा है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी बीजेपी मुख्यालय में और उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने ओ समाज का अपमान किया है इसी तरह बीजेपी ने यह भी फैसला किया है जो बीजेपी का ओबीसी मोर्चा है देश भर में एक करोड़ से भी अधिक परिवारों से संपर्क साधा जाएगा उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह से ओबीसी का अपमान राहुल गांधी ने किया है ये छः अप्रैल से चौदह अप्रैल तक पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा बीजेपी ने पिछले दो लोकसभा चुनाव में और यूपी में दो विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोटों को अपने साथ लिया है और बीजेपी चाहती है कि इसके जरिए इनका कंसोलिडेशन और ज्यादा हो इसलिए बीजेपी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश इस जानकारी के लिए